सो हैलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है सक्षम त्यागी और आप देख रहे हैं एसटीए सीरीज यूट्यूब चैनल। गाइज मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी अपलोड ऑन डॉट नेट से आप अपना म्यूजिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं अपनी सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो अपलोडिंग करूंगा, क्योंकि जिससे कि आपको जो मेन प्रॉब्लम थी अपलोड ऑन डॉट नेट पर आप अपनी एनओसी जो है वो कैसे अपलोड करें, तो मैंने सोचा इसके लिए सिर्फ आपको जल्दी से जल्दी एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाए। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो वॉइस ओवर बनाकर दे रहा हूँ। फेस कैम वीडियो जो है वो मैंने इसके लिए नहीं बनाई है, क्योंकि ये छोटी सी वीडियो होने वाली है, इसके लिए मैं फेस कैम क्या बनाऊँ। तो अब बात कर लेते हैं हमारी वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो के ऊपर मैं सबसे पहले बता दूं कि अपलोड ऑन डॉट नेट एक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। जिनको नहीं पता है, इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं और एक पीछे ही वीडियो बनाई थी, तो उस पर मैंने बताया था कि अगर आपकी जो एनओसी है वो इस वेबसाइट की फिल नहीं होगी तो जो आपका सॉन्ग है वो ये वेबसाइट अपलोड नहीं करती है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनओसी जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, जिससे कि आपको जो आगे आने वाले फ्यूचर में अगर आपका कोई सॉन्ग जो है वो कहीं अपलोड हो जाता है या कोई कर देता है तो उसके लिए आपके पास अपने राइट्स होंगे। एक तरीके से जो आपका सॉन्ग है वो और कोई यूज़ नहीं कर सकता, उसके आपके पास जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और ये जो आप ये वेबसाइट देख रहे हैं अपलोड ऑन डॉट नेट, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इस पर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। दोस्त जब आप अपने अकाउंट पर आते हैं सबसे पहले आपको ये नोटिस मिलता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका सर्टिफिकेट इस पर लगना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं, जब आप फिल द एनओसी पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में अगर आपने एनओसी सबमिट कर दी तो उसके जब तक आप अपना जो अपना एनओसी जो है सबमिट कर देंगे और वो सक्सेसफुल आपका अप्रूव भी हो जाएगा तो भी आपको ये नोटिस दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इग्नोर द वार्निंग इफ ऑलरेडी वेरीफाइड, तो आप इसकी चिंता ना करें कि आपकी एनओसी सक्सेसफुल कंप्लीट होने के बाद भी आपके सामने क्यों आ रहा है। यहाँ पर आपको मैं आप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप एनओसी में क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर फिल द एनओसी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपकी एज 18 से प्लस नहीं है या फिर 18 नहीं है तो आपका ये जो प्रोसेस है ये एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अगर आपकी 18 से नीचे एज है उनके लिए भी ये प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उसका जो है वो दूसरा प्रोसेस होता है। अगर आप चाहते हैं 18 नीचे से जो 18 की जो नीचे एज वाले बंदे हैं उनके लिए वीडियोस भी मैं लेकर आऊँ तो उसका जो तरीका है वो थोड़ा अलग है वो भी, लेकिन उनको भी यहाँ पर सक्सेसफुल एनओसी सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाता है 18 से जो नीचे होते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो बता रहा हूँ वो 18 के लिए और 18 प्लस के लिए यहाँ पर पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। मैं यहाँ पर अपना नाम XYZ डाल दूंगा, क्योंकि मैंने अपने नाम से जो है वो एक एनओसी ऑलरेडी क्रिएट की हुई है जो कि मेरी सक्सेसफुल अप्रूव हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। आप अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे तो उसके बाद में आपको जो प्रोसेस करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। बिगिनिंग एंड साइनिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेम डालने के बाद, ईमेल एड्रेस डालने के बाद, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एग्री करना होगा। एग्री पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद में गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में ये वाला जो इंटरफेस है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको सारा ऑलरेडी ये फिल करा हुआ अधिकतर मिलेगा। जो इस पर आपको चेंजेस करने हैं वहाँ पर आपको एक ब्लू लाइंस जो है वो यहाँ पर शो होंगी, जहाँ पर भी आपको चेंजेस करने हैं। बाकी सब जो रहेगा वो ऑलरेडी यहाँ पर पूरा फॉर्म यहाँ पर तैयार आपको मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पर ये ब्लू लाइंस हैं इन पर आपको क्या फिल करना है। तो यहाँ पर आपको अपना फुल नेम देना है, जहाँ पर मैंने XYZ लिखा है। उसके बाद में आपको अपना रिकॉर्ड लेवल नेम या फिर जो आप अपना इंडिविजुअल जो आर्टिस्ट है उसका नेम दे देना है, यानी कि आपका अपना या तो यूट्यूब चैनल जिस नाम से है उसका नेम देना है, या फिर आपके जहाँ पर सॉन्ग्स अपलोड होते हैं जो कि आपका लेबल है यूट्यूब के ऊपर वो उसका नेम आपको यहाँ पर दे देना है। इसको हम जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पर मैंने अपना नाम दिया है लेबल नेम पर। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस लिख देना है, ठीक है, जो आपका आईडी प्रूफ में होगा, किसी भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में आपका जो एड्रेस है वही आपको यहाँ पर एड्रेस वाली लाइन पर लिख देना है, ठीक है। तो आपको उसके बाद में मैं बताता हूँ यहाँ पर जो सिटी स्टेट है, जो आपकी सिटी है और जो आपका स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। सबसे पहले आपको स्टेट नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ उत्तर प्रदेश ऐड, ठीक है। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिटी नेम भी लिखना है। सिटी नेम पर आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी सिटी का नेम लिख देना है, तो मैंने यहाँ पर अपनी सिटी का नेम लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और यहाँ पर जो है वो नीचे कंट्री ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाएगी इंडिया। उसके बाद में पिन कोड, जिप कोड, पिन कोड और जिप कोड एक ही होता है,
पिन कोड आपके एरिया का कुछ आपके एरिया के पिन कोड्स होते हैं जो कि 6 नंबर के होते हैं, वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है। तो मैं यहाँ पर अपने एरिया का जो है वो पिन कोड यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने यहाँ पर एरिया का पिन कोड और जिप कोड एक ही होता है, तो यहाँ पर मैंने वो भी डाल दिया। उसके बाद में आपको यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट पर देना है कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको फिल करने के बाद इसको ऐड कर देना। उसके बाद में जो आपकी ईमेल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चढ़ी हुई आ जाएगी। उसके बाद में आपका जो इसका जो सारा फॉर्म लिखा हुआ है इस पर क्या क्या लिखा है वो भी आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर फर्दर आई हैव नो ऑब्जेक्शन इफ़ यू अपलोड ऑल आवर कंटेंट एक्सक्लूसिवली ऑन फॉलोइंग सेलेक्टेड प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको मैं तो कहूँगा यहाँ पर सारे प्लेटफॉर्म आप जो है वो यहाँ पर क्लिक करें, क्योंकि अगर कोई भी बंदा आपका जैसे किसी प्लेटफॉर्म पर सॉन्ग नहीं है और आप वो जो है आपका सॉन्ग उस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देता है, तो भाई उस प्लेटफॉर्म पर तो आपका सॉन्ग था ही नहीं, तो इसलिए उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर सारे स्टोर्स पर टिक लगा देंगे तो अगर आपका कहीं पर भी सॉन्ग अपलोड कोई करेगा तो उसके राइट्स जो होंगे वो आपके पास ऑटोमेटिकली होंगे। तो उसके बाद में आपको यहाँ पर सब जगह क्लिक कर देना है। उसके बाद पर यहाँ पर आपको नीचे अपना जो है वो सिग्नेचर देना है। अब सिग्नेचर आप इस पर कैसे देंगे, तो यहाँ पर आप जैसे सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर पर आप अपनी कोई फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अपलोड का भी ऑप्शन है। उसके बाद में यहाँ पर आप खुद से टाइप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया सक्षम त्यागी। जैसे मैंने यहाँ पर ये टाइप किया तो उसके बाद में यहाँ पर मुझे अलग अलग लैंग्वेजेस मिल जाती हैं कि मेरा साइन जो होगा सिग्नेचर जो होगा वो किस स्टाइल पर होगा। तो आप जो भी स्टाइल यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो ये वाला स्टाइल जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर मैं साइन कर देता हूँ। करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपके साइन आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास अपना कोई पेपर पर साइन किया हुआ है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ टाइप, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है चूज आईडी टाइप पर। आधार कार्ड से आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं या जीएसटी नंबर या पैन कार्ड, तो आप किसी से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी जो आईडी नंबर है आधार कार्ड का वो यहाँ पर आपको डाल देना है। जो आप सेलेक्ट करेंगे आपको उसी डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पर जो है वो डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ कॉपी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो अपनी आईडी का कोई भी अपना फोटो जो है, जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट करा तो उसका ही फोटो अपलोड कर देना है, पैन कार्ड करा है तो उसका फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे उसका जो होना चाहिए वो बिल्कुल प्रॉपर, उसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो शो होनी चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ पर ऑथराइज्ड सिग्नेचर, यानी कि यहाँ पर जो लास्ट वाला एक कॉलम है प्लेस के आगे, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी सिटी का नेम लिख देना है। इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स जब यहाँ पर फिल हो जाएंगी, उसके बाद पहले आपको चेक कर लेना कि आपने सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर फिल करी हैं या नहीं। उसके बाद आप ऊपर देख रहे हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट के बाद में आपके सामने क्या इंटरफेस आने वाला है, तो दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर आपका जो सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो है वो ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन पर एक जो है वो लिंक सेंड किया जाएगा। प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक वी सेंड टू, इस वाले ईमेल पर जो आपने डाला होगा। उसके बाद में तो कंप्लीट द डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करना होगा लिंक के लिए, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वरना आपका जो लिंक है वो यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हैं, एक बार आप चाहे क्लिक भी कर सकते हैं। तो मेरा जो लिंक है वो यहाँ पर आ चुका है, मैं अपने ईमेल पर जाऊँगा। ईमेल पर जाने के बाद इसको जो है वो वेरीफाई मैं कर दूँगा। यहाँ पर आपके सामने ईमेल आता है और इसको यहाँ पर वेरीफाई ईमेल पर आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको मैं बता दूँ यहाँ पर 28 डेज, जी हाँ 28 डेज के अंदर अंदर जो है वो आपका पता चल जाएगा कि आपके जो NOC है वो सबमिट की गई है या फिर नहीं की गई है। तो जो भी होगा वो आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा, लेकिन जो मेरे पास ईमेल आया था सक्सेसफुल होने का, तो वो उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही स्क्रीनशॉट है जो कि मेरे पास आया था जब मेरे ये सक्सेसफुल हो गया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें, क्योंकि ऐसी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड और सॉन्ग क्रिएटर से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही था। जय हिंद और वंदे मातरम।